दोस्तों अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टी20 सीरीज को जीते तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत के कौन से 11 शेर ऑस्ट्रेलिया को करेंगे ढेर, क्या है पहले टी20 के लिए फाइनल हुई पूरी प्लेइंग 11। दोस्तों यह सब तो हम आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप हमें बताएं कि ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में किसे प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए। दोस्तों इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों एशिया कप 2022 में टीम इंडिया की मैनेजमेंट ने जिस समस्या का सामना किया था, वही समस्या एक बार फिर से मैनेजमेंट के सामने होगी। मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में मंगलवार 20 सितंबर को खेले जाने वाले पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत में से किसे मौका दिया जाए और टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी होगी। दोस्तों टीम इंडिया के पहले 4 पायदानों पर किसी भी तरह का बदलाव होने की संभावना नहीं है। रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल ओपनर होंगे, जबकि विराट कोहली नंबर 3 पर खेलेंगे। वहीं सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर होंगे। 5वें नंबर पर हार्दिक पांड्या हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद कौन होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। नंबर 6 के लिए दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत दो बड़े दावेदार हैं, जिसमें पंत को तरजीह दी जा सकती है। टीम इंडिया के पास पहले 5 पायदानों पर दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और मौजूदा लाइनअप में सिर्फ ऋषभ पंत ही आपको बाएं हाथ के ऑप्शन के साथ मिलते हैं। यही कारण कि दिनेश कार्तिक शायद बाहर बैठे, हालांकि उनको मौका मिल भी सकता है, लेकिन इस स्थिति में फिर हार्दिक पांड्या के अलावा 4 गेंदबाजों को ही चुन पाएगी और इस स्थिति में दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल बाहर बैठेंगे। गेंदबाजी की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार के साथ जसप्रीत बुमराह की जोड़ी नजर आएगी, लेकिन यहाँ सवाल यही है कि क्या हर्षल पटेल की प्लेइंग 11 में वापसी होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर युजवेंद्र चहल और आर अश्विन में से कोई एक ही स्पिनर खेलता नजर आएगा। यहाँ युजवेंद्र चहल बाजी मारते हुए नजर आ सकते हैं। टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम संयोजन सबसे बड़ी माथापच्ची टीम मैनेजमेंट के लिए है। ऐसे में आइए दोस्तों देखते हैं क्या होगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 के लिए भारत की प्लेइंग 11। रोहित शर्मा कप्तान, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। तो दोस्तों आप भी इस प्लेइंग 11 के संबंध में और अपनी प्लेइंग 11 हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।